नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कैलोरी डेंस फूड क्या होता है, मतलब कैलोरी डेंस क्या चीज़ है खाने की, जिसे कैलोरी डेंस कहते हैं। देखो, डेंसिटी मतलब घनत्वता, कोई भी चीज़ डेंस है मतलब उसकी घनत्वता ज़्यादा है। तो अगर रुई और सोने में आप देखो तो 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा जगह लेगी और 1 किलो सोना कम जगह लेगा रुई की अपेक्षा। तो इसका मतलब सोने की घनत्वता ज़्यादा है, वो इतना घना इतना ठोस है कि वो बहुत कम जगह में 1 किलो हो जाता है, वो इतना ठोस है। उसके जो परमाणु हैं, यूँ कह लो इसके जो एटम है, वो काफ़ी पास पास जुड़े हुए हैं, ऐसे समझ लो। तो इसे घनित्वता कहते हैं समझाने के लिए। तो कैलोरी डेंस का मतलब है कि कम जगह में ज़्यादा कैलोरीज मिल रही है हमें, जो खाने की चीज़ें हमें कम जगह में ज़्यादा कैलोरीज देते हैं उन्हें कैलोरी डेंस फूड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण लेके समझाऊँ हमें। देखो, उदाहरण के लिए समझो कि 50 ग्राम तेल है या 50 ग्राम घी है, तो वो पूरा 50 ग्राम फैट है, ठीक है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, पुरानी पहले बात कर चुका हूँ मैं, वहाँ देख लेना भले अगर नहीं पता हो तो। 50 ग्राम घी में या तेल में 450 कैलोरी होगी, ठीक है। अब वही 450 कैलोरी अगर मेरे को पालक से लेनी है तो मेरे को लगभग 2 किलो पालक लेनी पड़ेगी। 50 ग्राम तेल अगर मैं पी जाऊं तो मेरे पेट में इतनी सी जगह लेगा वो, मेरे ख्याल से इतनी सी जगह लेगा। मेरे को पेट में एकदम, पेट मेरा एकदम फूल भरा भरा नहीं महसूस होएगा, एकदम पेट ऐसा नहीं हो जाएगा कि फट के बाहर आने लग जाए। वही अगर 450 कैलोरी लगभग 2 किलो पालक से अगर मैं लेने की कोशिश करता हूँ, 2 किलो पालक खाता हूँ, तो वो इतनी सारी जगह ले जाएगा, मेरा पेट फटने की हालत में हो जाएगा, मैं 2 किलो पालक खा ही नहीं पाऊंगा, मतलब पूरी संभावना ही मैं खा ही नहीं पाऊंगा। कैलोरीज दोनों में बराबर है, दोनों में 450 है, 2 किलो पालक जो है वो बहुत जगह ले रहा है और 50 ग्राम तेल बहुत कम जगह ले रहा है, कैलोरी दोनों बराबर दे रहे हैं। इसका मतलब जो तेल है, घी है, वो कैलोरी डेंस है, मतलब कम जगह में ज़्यादा कैलोरीज दे रहा है, और जो पालक है वो जगह ज़्यादा ले रहा है पर कैलोरीज कम दे रहा है, तो इसे कैलोरी स्पार्स बोल देते हैं। कैलोरी डेंस की जगह कैलोरी स्पार्स बोल देते हैं, मतलब घनित्वता कम है। तो अब उदाहरण जैसे हो गए, घी हो गया, तेल हो गया, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, ये सब चीज़ें कैलोरी डेंस हो गई। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कैलोरी डेंस है कौन सी नहीं? देखो, ऐसा है कि कोई भी कैलोरी डेंस चीज़ ज़्यादातर फैट ज़्यादा होगा उसमें, फैट ज़्यादा फैट से बनेगी ज़्यादातर, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो मान लो कोई एक चीज़ है खाने की, उस 50 ग्राम चीज़ वो ले लिया आपने, मान लेता हूँ 50 ग्राम चीज़ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है तो उसमें 200 कैलोरीज होती, 1 ग्राम में 4 कैलोरी, और वही 50 ग्राम चीज़ अगर पूरी फैट से बनी होती तो उसमें 450 कैलोरी होती, 1 ग्राम में 9 कैलोरी है। वही 50 ग्राम चीज़ में मान लो 25 ग्राम प्रोटीन होता और 25 ग्राम फैट होता तो वो कुल मिला करके 325 कैलोरी बनती, 25 ग्राम में 9 कैलोरी जो कि फैट की और 25 ग्राम में 4 कैलोरी जो कि प्रोटीन की है, कुल मिला के 325 कैलोरी बनती। इन तीनों में 50 ग्राम चीज़ है जिसमें वो पूरी चीज़ फैट से बनी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी है, तो चीज़ 50 ग्राम ही है, पर जैसे जैसे फैट बढ़ रहा है उसमें, जैसे जैसे वो जो 50 ग्राम है उसमें जो ग्राम है वो ज़्यादा ग्राम फैट से आ रहे हैं, तो वैसे वैसे वो चीज़ के अंदर कैलोरी बढ़ रही है। तो कैलोरी डेंस जो चीज़ है ना, वो ज़्यादातर ज़्यादा फैट हो रहा है उसमें, तभी वो कम जगह में ज़्यादा कैलोरी दे पाएंगे। कैलोरी डेंस जो चीज़ें हैं इनका हमें क्या फायदा हो सकता है? देखो, ऐसा है कि कोई चीज़ पेट में कम जगह ले रही है लेकिन ज़्यादा कैलोरी दे रही है, तो आप ज़्यादा कैलोरी खाना चाहते हो, अगर वजन बढ़ाना है आपको, ज़्यादा कैलोरी खाना चाहते हो, तो अगर आप वही पालक से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो 2 किलो पालक में आपका पेट इतना भर जाएगा कि आप पता नहीं कभी पूरे दिन में वापस खाओ नहीं खाओ, या 2 किलो खा भी पाओगे नहीं खा पाओगे, 450 कैलोरी होगी कुल मिला के लगभग। तो आप खाना चाहते हो वो चीज़ें जो कि पेट में कम जगह ले लेकिन आपको कैलोरी ज़्यादा दें, तो ये जो कैलोरी डेंस खाने की चीज़ें हैं ये आपके पेट में जगह कम लेगी लेकिन कैलोरी ज़्यादा देगी, तो आपका पेट देर, मतलब आपका पेट ज़्यादा खाना खा पाएगा, एकदम से भरेगा नहीं, तो आपका वजन बढ़ाने में आसानी होगी, आप ज़्यादा कैलोरी ले सकते हो उतनी ही जगह में, उतनी ही जगह पेट में भर के। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको पता चल गया कि वजन बढ़ाने के लिए कैलोरी डेंस चीज़ें खानी है, आप पतले हो तो आपको लग रहा है कि हाँ आठ दो जो भी आ रहा है, घी तेल पीते जाओ और बादाम अखरोट दबाए जाओ, कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है।
ये समझने वाली बात है, कैलोरी डेंस जो खाने की चीज़ें हैं ये वज़न बढ़ाने में काम आ सकती हैं, क्योंकि पेट में उतनी जगह लेकर में ज़्यादा कैलोरीज ले सकती हैं, तो आप इनको वज़न बढ़ाने के वक्त काम ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा इनको ज़्यादा खा करके ऐसे। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि 50 ग्राम तेल है या 50 ग्राम घी में उसको ऐसे पी जाऊंगा तो मेरा पेट एकदम इतना से ही भरेगा, ऐसा नहीं है। कुछ देर लगाती है आपकी शरीर इस बात को समझने में कि कितनी कैलोरीज अंदर गई हैं। तो अगर आप 50 ग्राम घी पियोगे तो उसे धीरे 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 20 मिनट लगा के अगर वो 50 ग्राम घी पियोगे तो लगभग वो 50 ग्राम घी आप 20 मिनट तक पियोगे ना, तब तक आपके शरीर को लगने लग जाएगा कि यार पेट भर गया है इतना, क्योंकि शरीर का पेट भरने की जो अनुभूति है वो वक्त पे निर्भर करती है। करीब 20 मिनट दिमाग सिग्नल लेने देने में लग जाता है कि पेट भर गया है। तो अगर आप इसको धीरे 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 खाओगे पियोगे ना, तो आपको इसमें भी पेट भरा भरा महसूस होने लग जाएगा। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ओवर ईटिंग को कैसे अवॉइड करें धीरे खा करके। तो ये था कैलोरी डेंस फूड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।